गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जो स्टूडेंट TGT और PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, स्पेशली बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए, तो उनके लिए जो बुक्स प्रेफर की जाती हैं उनमें से मुख्यतः GS नोट्स बना गया है। एक एक चीज़ का नोट्स है यहाँ, है ना। ये देखिए नोट्स बना हुआ है, तो आप नोट्स को देख लीजिए कैसे नोट्स आते हैं पेपर में। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं इनसे, पिछली बार भी क्वेश्चन है इसी नोट्स में मिला हुआ था। तो नोट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप नोट्स प्रॉपर नोट बनाइए, सीक्वेंस में बनाइए। ऐसा होगा नहीं तो पता चला कि आप बनाते जाएंगे, आप आगे आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे भूलता जाएगा। तो नोट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स बनाने से बहुत फ़ायदे होते हैं। पहली बात तो चीज़ें जो भूलती हैं वो याद होंगी। दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम टाइम में रिपीट करने का मौका मिलेगा। पता चला एग्ज़ाम टाइम में आप किताब लेके थोड़ी बैठ जाएंगे, तो एट द टाइम ऑफ द एग्ज़ाम ये नोट्स बड़े ज़रूरी होते हैं। आप इनका शॉर्ट नोट बना लीजिए जैसे इसमें बनाया गया है। इसी तरह से मैंने लगभग लगभग 4 कॉपियाँ लिखी हुई हैं। इसमें बॉटनी का है, सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, अपने आप कोड जनरेट करिए, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से मिलते जुलते, बिना नोट्स बनाए और एक सीक्वेंस में नोट्स बनाइए तो वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। इस तरह से एक नोट्स ये हो गया। इस तरह से एक नोट्स और है, ये भी जूलॉजी का है। इसमें देखिए बना हुआ है, क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोवा का। इस तरह से जब आप नोट्स बनाएंगे, एक प्रॉपर नोट्स, एक जगह और भी नोट्स बना हुआ है, इसको देखिए। अब इसमें देखिए कार्डेटा का दिया गया है फर्स्ट क्लास, इसमें बना हुआ नोट्स। तो बिना नोट्स बनाइए, और नोट्स मतलब बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, जो आपको एक मेमोरी देंगे। अच्छा, एग्ज़ाम टाइम में आपका जो सेंस है वो ऑटोमेटिक को कैप्चर करके लिखने से चीज़ें याद होती हैं। तो ये सारे जो, इसके बाद फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन में आपका शिल्पी है, आप शिल्पी का यूज़ करिए। पहले आप बढ़िया से अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, उसके बाद हर लेवल पे आप उसको, मतलब क्वेश्चन को शिल्पी से, या बहुत सारी आती हैं PGT TGT की क्वेश्चन बुकलेट, आप उनसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। इस तरह से शिल्पी का है। तो यूथ की जो बुक आती हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स, जीव विज्ञान लिखा हुआ है, वनी बायोलॉजी, बायोलॉजी में आपका बॉटनी है। तो इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए, इससे क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। जो ISBCS में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी देखते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आ भी गए हैं। तो आप जो ये है आपका बॉटनी, जूलॉजी के लिए भी ऐसे है। तो इस तरह से आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। प्रॉब्लम ये होती है स्टूडेंट की कि आगे आगे वो पढ़ते जाते हैं और पीछे का सारा उनका भूलता जाता है। तो इसके लिए सिर्फ एक ही टेक्निक है, आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, बाकी कोई रास्ता है नहीं। आप आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे भूलता जाएगा, आपको लगेगा कभी कभी कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो रिवीजन ही एक ऐसा उपाय है जो बार बार रिवीजन करने से आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी, लिखने से याद रहेंगी। एक सीक्वेंस में नोट्स बनाइए, वही प्रॉपर वे में काम आएंगे। तो TGT PGT की जो बायोलॉजी सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है उसके लिए 2-3 पॉइंट होते हैं कि आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, स्वयं का नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन करिए उस, और बार बार क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिर आपके कन्फ्यूजन भी दूर होंगे, आपको सारी चीज़ें याद भी रहेंगी। थैंक यू सो मच।